धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, जन साधारण के लिए तो तुम स्वर्ग राज्य के द्वार बंद कर देते हो। तुम न तो स्वयं इसमें प्रवेश करते हो और न किसी अन्य को ही प्रवेश करने देते हो। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, तुम लंबी लंबी प्रार्थनाओं का ढोंग करते हुए विधाओं की संपत्ति निगल जाते हो, इसलिए अधिक होगा तुम्हारा दंड। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए लंबी लंबी जल और थल यात्राएं करते हो। उसके तुम्हारे मत में सम्मिलित हो जाने पर तुम उसे नर्क की आग के दंड का दोगुना अधिकारी बना देते हो। धिक्कार है तुम पर अंधे अगुओं, तुम जो ये शिक्षा देते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ लेता है तो उसका कोई महत्व नहीं, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ लेता है तो उसके लिए प्रतिज्ञा पूरी करना जरूरी हो जाता है। अरे मूर्खों और अंधों, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सोना या वो मंदिर जिससे वो सोना पवित्र होता है? इसी प्रकार तुम कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो उसका कोई महत्व नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर चढ़ाई भेंट की शपथ लेता है तो उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना जरूरी है। अरे अंधों, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वेदी पर चढ़ाई भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो कोई वेदी की शपथ लेता है वो वेदी तथा वेदी पर समर्पित भेंट दोनों की ही शपथ लेता है। जो कोई मंदिर की शपथ लेता है वो मंदिर तथा उनकी जो इसमें रहते हैं दोनों ही की शपथ लेता है। इसी प्रकार जो कोई स्वर्ग की शपथ लेता है वो परमेश्वर के सिंहासन की तथा उनकी जो उस पर बैठा है दोनों ही की शपथ लेता है। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, तुम पुदीना सौंफ तथा जीरा का दसवां अंश तो अवश्य देते हो, किंतु व्यवस्था की कहीं अधिक गंभीर बातों का अर्थात न्याय कृपा तथा विश्वास की उपेक्षा करते हो। यही वे बातें हैं जिनका पूरा करना आवश्यक था। दूसरों की अनदेखी किए बिना अंधे अगवों, तुम मक्खी को छान कर निकाल फेंकते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, प्याले तथा बर्तन को बाहर से तो तुम अच्छी तरह से साफ करते हो किंतु अंदर लालच तथा विलासिता भरी है। अंधे फरीसियों, पहले प्याले तथा बर्तन को भीतर से साफ करो कि वे बाहर से भी साफ हो जाएं। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, तुम कब्रों के समान हो जो बाहर से तो सजाई समारी जाती हैं, किंतु भीतर मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां तथा सब प्रकार की गंदगी भरी होती है। तुम भी बाहर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो किंतु तुम्हारे अंदर कपट तथा अधर्म भरा हुआ है। धिक्कार है तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें सवारते हो तथा धर्मी व्यक्तियों के स्मारक को सजाते हो और कहते हो यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते हम इन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या के साझी ना होते। ये कहकर तुम स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देते हो कि तुम उनकी संतान हो जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। ठीक है, भरते जाओ अपने पूर्वजों के पापों का घड़ा। अरे सांपों, विषधर की संतान, कैसे बचोगे तुम नरक दंड से? इसलिए मेरा कहना सुनो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता ज्ञानी और पवित्र शास्त्र के शिक्षक भेज रहा हूँ। उनमें से कुछ की तो तुम हत्या करोगे, कुछ को तुम क्रूस पर चढ़ाओगे तथा कुछ को तुम यहूदी सभागृह में कोड़े लगाओगे और नगर नगर यातनाएं दोगे कि तुम पर सभी धर्मी व्यक्तियों के पृथ्वी पर बहाए लहू का दोष आ पड़े। धर्मी हाबिल के लहू से लेकर बेरेखाया के पुत्र जकर्याह के लहू तक का, जिसका वध तुमने मंदिर और वेदी के बीच किया। सच तो ये है कि इन सब का दंड इसी पीढ़ी पर आ पड़ेगा। यरूशलेम, ओ यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं की हत्या करता तथा उनका पथराव करता है जिन्हें तेरे लिए भेजा जाता है। कितनी बार मैंने ये प्रयास किया कि तेरी संतान को इकट्ठा कर एकजुट करूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, किंतु तूने ना चाहा। इसलिए अब ये समझ ले कि तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। मैं तुझे बताए देता हूँ
कि इसके बाद तू मुझे तब तक नहीं देखेगा जब तक तू ये नारा न लगाए, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आ रहा है।